हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक दिन हमने फिजिक्स क्लास स्टार्ट की थी, पहले एक वीडियो आपको भेजा जा चुका है पेपर। उस समय मैंने आपको पेपर समझाए थे, एक पेपर होते हैं समझा दिए थे। फर्स्ट पेपर जो है मैकेनिक्स मैकेनिक्स यानी पेपर का वर्गीकरण, नंबरों का वर्गीकरण मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था। क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के इतने ज़्यादा बच्चे अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई निर्देश आएगा तब वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लगातार मिलेंगे। आज अपन फिर से इसकी क्लास है, पेपर फर्स्ट अलग मैकेनिक्स यांत्रिकी, और इसका यूनिट फर्स्ट है द्रव्य एवं अद्रव्य विश्लेषण, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल फ्लक्स। जड़प का अर्थ मैंने पहले भी समझा दिया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, जड़प का मतलब परिवर्तन
क्या होता है? वेग में समय के साथ परिवर्तन। त्वरण जीरो होने का मतलब क्या हुआ? वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होने का मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है यानी उसका वेग जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ना पड़ेगा, स्थिर अवस्था में रहेगी वस्तु। अगर बाह्य बल जीरो है, ये पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाए, नहीं लगाया जाए मतलब बाह्य बल लक्षण जीरो, स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी, गतिशील वस्तु गति करती रहेगी, फिर नियम वेग से नियम दिशा में, तो इसलिए त्वरण का मान क्या होगा? जीरो। फर्स्ट और सेकेंड नियम एक चीज को स्पष्ट करते हैं, जड़ से संबंधित है दोनों। अगर कोई वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगी, अब गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। इसकी कुछ डेली लाइफ में एग्जाम्पल पर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ही। इसकी वस्तु बस स्थिर है, अचानक चलते हैं उसमें बैठे हुए यात्री को इस चीज का अनुमान ना हो कि बस चलने वाली अचानक स्ट्रेट के चल दे, यात्री जो होता है उसके कर्तव्य पीछे की तरफ धक्का खाता है, बस आगे चलेगी उसके विपरीत डायरेक्शन में धक्का खाता है। रीजन क्या है उसका? यात्री का पूरा शरीर पहले स्टेशनरी पोजिशन में है, स्थिर अवस्था में है बस के साथ, जैसे ही बस चलेगी शरीर का निचला भाग जो बस के कॉन्टेक्ट में है सीट के साथ जुड़ा हुआ है वो तो बस के साथ गतिमान हो जाएगा, लेकिन ऊपरी भाग जो है वो जड़त्व गुण के कारण स्थिर ही रहना चाहता है, इसलिए पीछे की ओर धक्का अनुभव करता है। इसका उल्टा गतिशील अवस्था में भी है, बस अगर गति कर रही है 60-70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तो अचानक बस में ब्रेक लगा दी जाए, इमरजेंसी ब्रेक किसी वजह से सामने कोई गाय भैंस आ जाए रोड पे, अचानक से ब्रेक लगे और मान लो उसमें बैठे हुए यात्री नींद में हो बिल्कुल सोए हुए, क्या होगा? जैसे ही अचानक ब्रेक लगेंगे तो देखते हैं व्यक्ति आगे की तरफ धक्का खाता है, बहुत तेजी से उसको आगे की तरफ क्या लगता है? धक्का लगता है। रीजन क्या है उसका? जब बस गतिमान थी यात्री की पूरी बॉडी उसी वेग से गति कर रही थी जिस वेग से बस चल रही है, और जैसे ही बस में ब्रेक लगा यानी कि वेग क्या हो गया जीरो, तो नीचे का यात्री का शरीर का नीचे का जो वेग है जो बस के साथ टच में है उसका तो जीरो हो गया, लेकिन ऊपर का जो शरीर है वो अभी भी बस के पहले वाले वेग से गति कर रहा है, इसीलिए वो आगे चला जाता है, धक्का खाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है इस चीज के जो ये शो करते हैं कि रक्त का गुण पदार्थों में होता है, हर पेट में होता है, छोटी हो या बड़ी हो, बहुत छोटी हो बहुत बड़ी हो, सब इस गुण को दिखाएंगे। ये तो होगी जड़ की बात। अब विदेश तंत्र ये वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, जनरली विदेश तंत्र को होता है जो वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रूप से माना जाता है। विदेश तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाजार में सामान मिलता हो या किसी वस्तु उपकरण मशीन का नाम हो, ये हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी कण की गति का अध्ययन करना चाहता हूँ तो मेरे से 3 नक्शे बन सकती है। विदेश तंत्र में 3 नक्शे निकालते हैं हम, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, और ये मूल बिंदु होता है, इसको अपन क्या मानते हैं? मूल बिंदु को क्या बोल सकते हैं? रेस बिंदु कह सकते हैं। रेस बिंदु माने की क्या होता है? जो ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है उसी को ऑरिंग पॉइंट कहते हैं मूल बिंदु। अब अगर कोई इधर गति कर रहा है तो इधर इधर ऑब्जर्व करेगा, उधर करेगा घुमा, इधर करेगा इधर, इसी तल में गति होगी तो तल में ऑब्जर्व करेगा। निर्देश तंत्र का मतलब सिस्टम बनाया गया है तो कोई वास्तव में 3 अक्षें दिखनी जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं निर्देश तंत्र की कल्पना कर सकता हूँ, एक अक्ष इधर होगी एक्स अक्ष इधर का अध्ययन करने के लिए डायरेक्शन के लिए, एक इधर से ऊपर की तरफ कोई वाई अक्ष और एक इधर से कोई जेड अक्ष, तीनों अक्षें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों ताकि तीनों तल उसमें आ जाए। ये वाला जो हिस्सा दीवार और नीचे वाला फर्श जो है वो जेड तल हो जाएगा, सारा इंक्लूड हो गया, पूरा आकाश आ गया, पूरा स्पेस।
केस आ गया, पूरा खास केस में कल्पना होगी देश तंत्र हो गया। और जहाँ स्टार्टिंग हुआ है यानी कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ मूल बिंदु देश बिंदु, जिससे आप लोग यहाँ बैठे हो मान लो अलग अलग शीट पे, तो मेरे सापेक्ष आपकी स्थिति अलग अलग है। कोई वहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा है, अलग अलग स्थिति है। सब एक्स जेड तल में है, इस समय एक्स जेड तल हो गया ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये जो फर्स हो गया वो कौन सा तल हो गया एक्स जेड तल। जो व्यक्ति वहाँ बैठा है उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स से कितनी दूरी है, जेड से कितनी दूरी है, वो क्या हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स मान लो 4 सेंटीमीटर, उससे 4 मीटर, उधर से 5 मीटर, तो कोऑर्डिनेट हो गए 4 5 स्थितियाँ हैं। यहाँ से वहाँ चला गया तो कोऑर्डिनेट स्थितियाँ चेंज हो गई, उस हिसाब से अपन गतिविधि डिटरमाइन करते हैं कि ये बिंदु है बिंदु है। अगर एक रेखा में सरल रेखा में गति होती है एक डायरेक्शन में होती है, एक्स अक्ष में हो या वाई अक्ष में हो या जेड अक्ष में हो, तो जगह लगती है एक डिग्री है। और तल में हो द्विविमीय, स्पेस में हो पास में द्विविमीय। ये सब एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता मुझे है नहीं, क्योंकि तुम 11th 12th फिजिक्स पढ़ के आए हो, इसलिए उतना मटेरियल के बारे में समझते हो। तो जड़त क्लियर हो गया और अंदेश कर। अब अपन बात करें इसकी जड़ती है और अजड़ती है। विदेश तंत्र, विदेश तंत्र जड़ती और अजड़ती दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी विदेश तंत्र जो होते हैं वो स्वयं कहते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जड़ती है, जड़ती है विदेश तंत्र। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा नंबर दो, क्या मीनिंग है इनके पहले ध्यान से समझिए। जड़त का मतलब आप समझ चुके हो, दाब में अवस्था परिवर्तन के विरोध का जो गुण होता है उसे हम कहते हैं जड़त का गुण। तो जड़त के विदेश तंत्र वो होता है, मैं आपको एक्सप्लेन लाइन में लिख देता हूँ, ऐसा विदेश तंत्र जिसके सापेक्ष अंडी गति में जड़त नियम का पालन हो, जड़त नियम का पालन हो। जड़त नियम इन्हें बताया फर्स्ट नियम सेकेंड नियम दोनों ही जड़त नियम के हैं। यदि F बराबर M है, यदि F बराबर 0 A बराबर क्या होना चाहिए 0, मतलब क्या हुआ बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित निकाय के, त्वरण रहित निकाय बल नहीं है तुरंत में दिखाई नहीं देना चाहिए, तुरंत में वस्तु के अंदर शून्य होना चाहिए। अगर इस नियम का पालन हो रहा है तो इसका मतलब निर्देश तंत्र कैसा कहलाएगा, जड़ती निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र कहलाएगा जड़ती। पर फिर से सुन लीजिए, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें या जिसके सापेक्ष बाह्य बल की उपस्थिति में वस्तु कर्ण पिंड कुछ भी कह लीजिए त्वरण रहित दिखाई दे, यानी बल का मान अगर 0 त्वरण का मान भी 0 निश्चित हो, यानी जड़त नियम का पालन हो, तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा जड़तीय निर्देश तंत्र। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं स्थिर हूं इस समय, ठीक है, स्थिर निर्देश तंत्र में जब कोई निर्देश तंत्र स्थिर है तो उसमें कोई कण
ये डॉक्टर बैठा हुआ है या कोई और यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है या कोई बैठा हुआ है स्टूडेंट बैठा हुआ है या कोई भी सामान बता डॉक्टर बता टॉप अकेले ठीक है। तो मेरे सापेक्ष इस जॉब की गति को मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इस जॉब की पोजीशन को मैं अध्ययन कर रहा हूँ कुछ समय के लिए ठीक है। तो अगर इस जॉब पर कोई बल नहीं लगा, किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगाया, ना मैंने लगाया ना तुमने लगाया ना किसी और ने लगाया, तो ये वस्तु या जॉब या डस्टर जो भी अपन ले रहे हैं के रूप में वो एज इट इज रहेगी कि नहीं चीज रहेगी ना भाई, जैसी पोजीशन में वो है ऐसी रहेगी, ना वो कूक करेगी ना हटेगी ना सकेगी ना चलेगी। कल आगे देखोगे तो भी इनकी रहेगी, परसों आगे देखोगे तो भी इनकी रहेगी। इसका मतलब वो पिंड जड़ नियम का पालन कर रहा है। तो मैं या मेरे से बनने वाला मेरे शरीर कैसा हो गया जड़ की, यानी अगर जड़ की तंत्र स्थिर अवस्था में है सफल क्या होगा इसका या जो बस का वेग 50 किलोमीटर पर आवर से अगर हमारी बस चल रही है
या ट्रेन चल रही है, तो उन सब पेड़ पहाड़ मकान पशु जीव जंतु की डाइवर्सिटी भी उतनी अपेक्षित होगी 85, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर 5 मिनट तक बस की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पेड़ मकान पहाड़ पशु पक्षी जीव जंतु की स्पीड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स प्रण क्या हो गया, जीरो। बल उसमें लग नहीं रहा, बल लग से त्वरण भी लग से हो गए ना जड़त्वीय प्रवेश के अंदर। तो जड़त्वीय का मतलब क्या बताया मैंने, बल की अनुपस्थिति में वस्तु की अधिकारी होनी चाहिए, त्वरण नहीं। पेड़ पक्ष मकान पशु पक्षी उस फ्रेम के या बस के सापेक्ष गति करते हुए तो ऑब्जर्व हो रहे हैं, लेकिन उनमें त्वरण नहीं है। त्वरण का मतलब ये नहीं है कि गति कर रहे हैं उस समय त्वरण है, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ, तो त्वरण है। ठीक है, नियत वेग से जो चल रहा है त्वरण जो कोई त्वरण नहीं। तो जो बस अगर नियत वेग से गति कर रही है, मैंने पहले एग्जांपल में नियत वेग से गतिमान प्रवेश कर अगर है, उसके सापेक्ष जो भी वस्तु का अपन अध्ययन करेंगे उनमें भी त्वरण जीरो ही ऑब्जर्व होगा, यानी जैसे कि शब्द हो गया वो जड़त्वीय। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया डायरेक्ट निर्देश तंत्र के, स्थिर निर्देश तंत्र या नियम देश के अनुसार। अब दूसरा टाइम कार्ड फ्रेंड्स का नाम क्या है, नया जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका क्या लिखते हैं अपन, ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जिसके सापेक्ष कण की गति में जड़त्व नियम का पालन, जड़त्व नियम का पालन नहीं हो। जड़त्व नियम का पालन नहीं हो मतलब बिना बल के भी वस्तु में त्वरण दिखाई दे। जड़त्व नियम से कहता है बल अगर जीरो तो त्वरण भी जीरो होना चाहिए, उनका वेग 10 से 20 हो गया,
संख्या 0 से 5 हो गया, 5 से 10, 10 15, 15 से 20, मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि कुल जो बाहर है, पेड़ पौधे मकान पशु पक्षी पहाड़ जीव जंतु जो भी है, उनपे एक्चुअल में कोई बल नहीं है। अपन सब जानते हैं एक्चुअल में उनपे कोई बल नहीं, अगर वो अपनी स्थिर अवस्था में ही है, केवल एक आवासीय गति अपने को अवसर होती है, तो बाइबल नहीं लग रहा, फिर भी उनमें क्रोध दिख रहा है, लेकिन उनकी स्पीड बढ़ रही है। ट्रेन की स्पीड जैसे बढ़ेगी या बस की स्पीड जैसे बढ़ेगी, उनकी भी स्पीड बढ़ती नजर आ रही है, और स्पीड बढ़ना या वेग में वृद्धि होना क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? बाइबल कोई नहीं है, बाइबल की अनुपस्थिति में भी कण की गति में क्या दिखाई दे रहा है? त्वरण दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है त्वरण, बिना बल के भी गति करती हुई वस्तु में त्वरित दिखाई दे रही है। इसका मतलब गलत नियम का पालन नहीं हो रहा। ऐसा निर्देश क्या कहलाएगा? ऐसा निर्देश तंत्र कहलाएगा, कहलाएगा निर्देश तंत्र। ही क्या कर रहा हो? त्वरित गति कर रहा हो, एक परिवर्तन के साथ गति कर रहा हो, तो उसके सापेक्ष जो भी अपन अध्ययन करेंगे, ट्रेन के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं हम, पेड़ का मकान का पहाड़ का पशु का पक्षी का, तो ट्रेन या बस इसमें अपन बैठे हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर की चीजों को, बाहर जो कोई भी पेड़ पहाड़ मकान पक्षी है उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, उनका जो वो सब कैसे चल रहे हैं, क्यों त्वरित गति करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ऐसा निर्देश क्या कहलाएगा? जड़प्रिय निर्देश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा? जड़प्रिय कौन होता है और क्या जड़प्रिय कौन होता है? एक बार फिर से सामान्य समझ सकते हैं, ऐसा निर्देश तत्व जिसमें जड़ नियम का पालन होता है कहलाते हैं जड़त्व निर्देश। उनके एग्जाम्पल क्या है? या तो निर्देश तत्व स्थिर होना चाहिए, स्टेशनरी पोजीशन में कोई भी स्थिति में, और या फिर होना चाहिए नियम वेग से गतिमान, स्थिर वेग से या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई बस ट्रेन चल रही है, वो कौन से होंगे? ये तो निर्देश तत्व कौन से होगा? लो जड़त्व निर्देश। दूसरा होता है जड़त्व निर्देश। जड़ती क्या होगा? इसमें जड़ नियम का पालन नहीं हो रहा है, यानी बाइबल की अनुपस्थिति में भी कण की गति का चित्र त्वरित दिखाई दे रही है। ऐसे दिखाई दे रही है त्वरित, बिना मन के भी वस्तु में त्वरण नजर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? जड़ती निर्देश तत्व। उसका एग्जाम्पल क्या है? त्वरित गति करता हुआ निर्देश तत्व। एग्जाम्पल इसका त्वरित गति करता हुआ निर्देश। अब निर्देश तत्व हम क्या क्या अवसर करते हैं, ये कंसेप्ट हमारे मायने में कर दिया हमने पूरा, कौन सा निर्देश तत्व जड़त्वीय है और कौन सा है जड़त्वीय। अब इस निर्देश तत्व हम क्या क्या अवसर करते हैं, देखो दो चीजें जो है पिछली वीडियो में समझाया था, ये मानना निर्देश तत्व हो गया ये एक्स वाई जेड, अच्छे होंगे उसकी, ये हो गया मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। बताया गया है निर्देश बिंदु क्या होता है? जो ऑब्जर्व करता है किसी गति का अध्ययन करता है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। अब इसमें मान लो किसी पॉइंट की पोजीशन है, कण की स्थिति उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पी पे है, पी के कोऑर्डिनेट होते हैं, तीनों जगह पे भी पी है तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, ए वन टू भी है तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स का मतलब एक्स दिशा में पोजीशन, वाई का मतलब वाई दिशा में, जेड का मतलब जेड दिशा में, तो कण की पोजीशन को दिखाने वाला सदिश कहलाता है स्थिति सदिश आर कहलाता है। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं कि नहीं? एक्स दिशा में एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं, सभी जगह पे पढ़ चुके हैं अपन, आई कैप, वाई दिशा में क्या करते हैं, ए कैप, और जेड दिशा में
ठीक है।